अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को नावल की तारीफ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि नावल से पहले दास्तान की जो रिवायत थी वो, और दास्तान और नावल में क्या फ़र्क है, क्या मुख्तलिफ है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में भी आ गया होगा। आज आप लोग नावल की तारीफ देखेंगे। नावल की तारीफ हमारे जो माहिर हैं कलारियोज के कहने के मुताबिक, रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नावल है। और उसका हवाला भी दिया हुआ है नावलिस्ट ऑन द नावल पेज 45। इसी को कह रहे हैं कि नावल में जिंदगी से करीब तर वाक़यात को पेश किया जाता है और पूरी जिंदगी का अहाता किया जाता है और किरदार भी हकीकी और गोश्त पोस्त के इंसान होते हैं। तो नावल कह रहे हैं कि नावल में सिर्फ किसी जिंदगी के किसी एक गोशे को भी नहीं, सिर्फ जिंदगी के पूरी जिंदगी को बयान किया जाता है, वो कहना है। और नावल फिर एक और माहिर हैं, उनके कहने के मुताबिक डेविड सेसल नावल को एक ऐसा फनी कारनामा करार देता है जो हमको एक जिंदा दुनिया से मुतारिफ कराता है। जिंदा दुनिया वही हकीकी दुनिया, लेकिन ये दुनिया हमारी अपनी दुनिया से मुशाबा भी हो, मतलब है कि जो उस नावेल में कहानी और किस्सा और जो किरदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी ही हकीकी जिंदगी हो, ये भी हो सकता है कि मुशाबा हो, उसके ही जैसा हो भी हो और अपनी एक अलग इंफरादियत भी रखती हो और एक अपनी इंफरादियत भी रखती हो। ये भी हवाला दिया हुआ है हार्डी द नावलिस्ट पेज 13। पर्सिल लेक ने नावल को जिंदगी की तस्वीर या जिंदगी की छवि करार दे दिया है। तो इसका भी वही कहना है कि इनके नावल में जो कहानी है, किस्सा है, ये जिंदगी से करीब तर होते हैं और पूरी जिंदगी का ही बयान किया जाता है, पूरी जिंदगी का अहाता किया जाता है। आप लोगों ने नावल की तारीफ, नावल से पहले जो क्या रिवायत थी वो पढ़ लिया, नावल की तारीफ पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों के नावल के अजाई तरकीबी पढ़ाने जाऊँ। नावल की अजाई तरकीबी क्या है कि नावल कैसे लिखे, नावल की भी एक तरतीब होना चाहिए, एक खाका होना चाहिए। तो वही खाका क्या है कि कहानी होना जरूरी है, प्लॉट का होना जरूरी है, किरदार का होना जरूरी है, मुकालमे का होना जरूरी है, पस मंजर या जमानो मकान नंबर 6, उसलूब नंबर 7, नुक्ताए निगाह। अब फिर अलग अलग सबका हम लोग तारीफ को जानेंगे। नावल में जो कहानी है, किरदार कहानी है, किस्सा है, स्टोरी है, उसी को कहानी कहेंगे कि कहानी किस तरह का है। प्लॉट देखिए, सबसे मेन चीज होता है नावल में प्लॉट इस तीन तरह का होता है, एक सादा होता है, एक पेचीदा होता है, एक मुबहम होता है। तो सादा प्लॉट जिस नावल में होता है उसके किरदार भी सादा होते हैं, उसमें किरदार भी कम होते हैं और उस नावल को पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा उसका स्टोरी, उसका खाका, उसका पसमंजर आपको समझ में आ जाएगा कि इस नावल में क्या बयान करना है। और पेचीदा प्लॉट यह है कि आपको अगर आप आधा नावल भी पढ़ जाए या और मतलब के तो आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। जब तक आप पूरे उसको दाम पजीर नहीं करेंगे तब तक कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। उसी तरह मुबहम प्लॉट में भी यही होता है कि कहानी इधर से उधर